हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है और इसका यूज क्या होता है। व्हाट इज कंटिन्यू स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट्स यूज, और हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन रेक्ट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है। तो फर्स्ट, कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज फॉर कंटिन्यू नेक्स्ट इटरेशन ऑफ लूप आफ्टर स्किपिंग सम स्टेटमेंट ऑफ लूप, यानी कि जब कंटिन्यू का आप स्टेटमेंट का यूज तब करते हैं जब आपको अपने फॉर लूप से किसी भी इटरेशन को क्या करना हो, स्किप करना हो, बट उसके बाद क्या करना हो, आपको अपने लूप को कंटिन्यू रखना हो, उस कंडीशन पर हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक के नंबर को हमें प्रिंट करना है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि जो 5 वैल्यू है वो हमें प्रिंट में मिले, हम चाहते हैं 1, 2, 3, 4, उसके बाद 5 हमें प्रिंट में ना मिले, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारी वैल्यू हमें प्रिंट में मिले, उस कंडीशन पर हमें क्या करना होगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करना होगा। जो कि क्या करता है, जो भी आपका लूप होता है उसे उसी उसमें क्या करता है, किसी भी इटरेशन की वैल्यू को स्किप कर देता है और उसके बाद फिर से वो प्रोसेस को कंटिन्यू रखता है, उस कंडीशन पर हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब देखते हैं डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, the difference between break and continue statement is when the break encountered loop is terminated and it transfers to the next statement। जो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट होता है ये क्या करता है कि आपके लूप को टर्मिनेट कर देता है और ट्रांसफर कर देता है नेक्स्ट स्टेटमेंट के पास, जब हम इसको स्विच केस स्टेटमेंट में यूज करते हैं या फिर फॉर लूप में यूज करते हैं। और नेक्स्ट क्या होता है, व्हेन कंटिन्यू इज इनकाउंटर कंट्रोल कम बैक टू द बिगनिंग पोजिशन। जो हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है ये क्या करता है, इनकाउंटर कर देता है कंट्रोल को वापस कहाँ पर, बिगनिंग पोजिशन पर, यानी कि जहां से आपने स्टार्ट किया है। सबसे पहले ये क्या करेगा, जिस भी वैल्यू को आपको कंटिन्यू रखना है उसको कंटिन्यू रख करके आपको क्या कर देता है, बिगनिंग पोजिशन पर वापस भेज देता है अपने स्टेटमेंट को कंटिन्यू रखने के लिए। लेकिन जो ब्रेक स्टेटमेंट होता है ये पूरी तरह से उस पूरे स्टेटमेंट से क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, यानी टर्मिनेट कर देता है, ट्रांसफर कर देता है नेक्स्ट स्टेटमेंट के पास। जो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट होता है ये दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे स्विच केस स्टेटमेंट में हमने देखा था, जब हमने केस स्टेटमेंट के बाद ब्रेक का यूज किया था तो वहां पर ये क्या करता था, जैसे ही ब्रेक हुआ वैसे ही ये नेक्स्ट स्टेटमेंट के पास क्या कर देता था, जो इसका इटरेशन होता था उसको क्या कर देता था, ट्रांसफर कर देता था, यानी कि उसकी वैल्यू को नेक्स्ट इटरेशन के पास ट्रांसफर कर देता था और वहां से क्या हो जाता था, टर्मिनेट हो जाता था हमारा प्रोग्राम। सबसे पहले अब हम इसको क्या करते हैं, प्रोग्राम करके देखते हैं। सिंपली सा जैसे हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया था, ब्रेक स्टेटमेंट का हमने यहाँ पर यूज किया था, एक बार हम इसको चेक करते हैं उसके बाद हम कंटिन्यू का आपको प्रोसेस बताते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो हमें वैल्यू प्रिंट में मिल रही है वो क्या प्रिंट में मिल रही है, 0 से लेकर 5 तक की वैल्यू हमें प्रिंट में मिल रही है। अगर आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे आपने यहाँ से क्या कर दिया है, आपको 5 तक के ही नंबर प्रिंट में मिलने चाहिए थे, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमें कहाँ तक के नंबर प्रिंट में मिलने चाहिए, 0 से लेकर 9 तक के नंबर हमें प्रिंट में मिलना चाहिए, क्योंकि 10 कंडीशन जैसे ही होगी वैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और हमें क्या नहीं मिलना चाहिए, अगर इसको हटा करके हम यहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं जहां पर हमने ब्रेक का यूज किया था, तब इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं किस प्रकार से आता है। इसका जो रिजल्ट है वो सिंपली सा कहां तक आ रहा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 9 तक के नंबर तो हमें प्रिंट में मिल रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ कंडीशन भी दे रखी है। कंडीशन क्या है हमारी, कि इफ आई इक्वल 5, यानी कि आई की वैल्यू जैसे ही 5 हो वैसे ही हमारा प्रोसेस क्या हो जाए, फिर से कंटिन्यू हो जाए, यानी बिगनिंग में चला जाए। बट ऐसा नहीं हुआ, हमें 5 वैल्यू भी प्रिंट में मिल रही है, बट हमें करना क्या है, यहाँ से 5 वैल्यू जो है इसको स्किप करना है। हम नहीं चाहते हैं, जो हमारा प्रोग्राम है हमें सिंपली सा कौन कौन से नंबर प्रिंट में मिलना चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4, उसके बाद 6, फिर उसके बाद 7, 8, फिर 9, इतने ही हमें प्रिंट में मिलना चाहिए, 5 नंबर हमें प्रिंट में नहीं चाहिए। इसके लिए जब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं उस कंडीशन पर हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इस इटरेशन को कंटिन्यू रखना है, इसलिए हमें सबसे पहले कंडीशन को चेक करना होगा, उसके बाद इस वैल्यू को क्या करना होगा, प्रिंट करना होगा, फिर हमें इस प्रोसेस को क्या करना होगा, कंटिन्यू रखना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके बाद कंटिन्यू रखने के बाद हम क्या करते हैं, इस कंडीशन को cout फंक्शन की हेल्प से हम इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या जो हमारा रिजल्ट आता है वो सही, F11 करते हैं, हमें जो वैल्यू प्रिंट में मिलनी चाहिए क्या वो मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 हमें प्रिंट में नहीं मिल रहा है, 4 के बाद 5 मिलना चाहिए था, यहाँ पर 5 नहीं मिल रहा है, 6, 7, 8, 9, यानी कि हमारी कंडीशन बिल्कुल सही वर्क कर रही है।
इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से आप इंड एफ का या फिर सिंपली सा इंड एल कर देते हैं, यानी कि अलग अलग लाइन में प्रिंट होगा तो और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से नेक्स्ट लाइन कर दिए। अब यहाँ से आप देख सकते हैं जो नंबर आपको प्रिंट में मिल रहे हैं 10 से लेकर के 9 तक के मिल रहे हैं, लेकिन इसमें से 5 नंबर हमें प्रिंट में नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, 5 की वैल्यू को इफ कंडीशन दे करके, उसके बाद कंडीशन तो दे दिया है इसकी, लेकिन उसके बाद हमने क्या कर दिया है, कंटिन्यू रखा है। जैसे आई इक्वल इक्वल 5 होगा, वैसे ये वैल्यू 5 वाली क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी, ये प्रिंट नहीं होगी। उसके बाद प्रोसेस हमारा जो है वो फिर से कंटिन्यू हो जाएगा, फिर से हम इस लूप में वापस चले जाएंगे। यानी कि ये वर्क कैसे करता है, इसको हम सबसे पहले डायग्राम करके दिखाते हैं आपको, जिससे चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जो हमने कंडीशन दिया है वो कंडीशन हमारी क्या है, कंडीशन में हमें करना क्या होता है, जो है उसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले हमने यहाँ से लूप चला रखा है, जो हमारा फॉर लूप है वो चला है, आई इक्वल जीरो से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद आई लेस देन 10 तक गया है, फिर आई प्लस प्लस कर दिया है हमने। हमें क्या करना है, 5 वैल्यू को स्किप करना है, उसके बाद हमने यहाँ से इफ कंडीशन दी है, आई इक्वल इक्वल 5 के जैसे ही होता है वैसे हम क्या हो जाएं, कंटिन्यू हो जाएं, कंटिन्यू। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद हमें वैल्यू को प्रिंट कर लेना है, सीआउट फंक्शन की हेल्प से हमें आई को प्रिंट कर लेना है, और यहाँ से इंडेल फंक्शन की हेल्प से हमें न्यू लाइन दे देनी है। इसके बाद हमें करना क्या होगा, सबसे पहले ये वर्क कैसे कर रहा है इसको समझते हैं। इसमें सबसे पहले आई की कंडीशन जो होगी वो जीरो से स्टार्ट हो रही है, तो जीरो लेस देन 10 की है, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले हमारी कंडीशन चेक होगी, कंडीशन क्या है, क्या जो आई की वैल्यू है जीरो इक्वल इक्वल 5 के है, तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हुई तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि ये पूरे प्रोसेस का हमारा लूप क्या हो रहा है, यहाँ से हमें आई वैल्यू क्या हो गई, प्रिंट में मिल गई, यानी आई की वैल्यू प्रिंट में मिल गई, यानी जीरो प्रिंट में मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट फिर से हम क्या कहाँ जाएंगे, वापस जाएंगे फॉर लूप में, फिर आई की वैल्यू जीरो से अपडेट होकर के 1 हो गई है, क्या 1 लेस देन 10 की है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई। फिर से इफ कंडीशन चेक होगी, इफ कंडीशन क्या हो गई है, 1 इक्वल इक्वल 5 की है, कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर से हम इस पूरे इस स्टेटमेंट से बाहर आएंगे, यहाँ पर सीआउट फंक्शन की हेल्प से हमने 1 को प्रिंट कर लिया यहाँ से आई की वैल्यू को। उसके बाद फिर से आई फॉर लूप में जाएगा, यानी फॉर लूप की कंडीशन फिर से चेक होगी, आई की वैल्यू अपडेट होकर के 2 हो चुकी है, यहाँ से क्या 2 लेस देन 10 की है, तो एक कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है। उसके बाद फिर इफ कंडीशन चेक होगी, क्या 2 इक्वल इक्वल 5 है, कंडीशन फॉल्स हो गई। उसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे, आई की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, 2 प्रिंट हो गया। फिर से फॉर लूप में जाएंगे, कंडीशन चेक होगी, यहाँ से वैल्यू अपडेट होकर के 3 हो चुकी है, क्या 3 लेस देन 10 के है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई। आई यहाँ पर इफ कंडीशन चेक होगी, क्या 3 इक्वल इक्वल 5 के है, कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर से हमने आई को प्रिंट कर लिया यहाँ से 3। उसके बाद फिर से हमारा फॉर लूप जाएगा, और यहाँ से आई की वैल्यू अपडेट होकर के 4 हो चुकी है। 4 होने के बाद उसके बाद यहाँ से क्या 4 लेस देन 10 की है, कंडीशन ट्रू हुई। फिर से आई इक्वल इक्वल 5, यानी 4 इक्वल इक्वल 5 के है, कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी कि 4 5 के इक्वल नहीं है। उसके बाद हम यहाँ से कंटिन्यू नहीं करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएंगे, हम 4 को यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे। फिर हमारा फंक्शन यहाँ पर, यानी जो कंट्रोल है, वो फॉर लूप में जाएगा, आई की वैल्यू अपडेट होकर के क्या हो चुकी है, 5 हो चुकी है। 5 जैसे हुई, वहां पर 5 लेस देन 10 के है, कंडीशन हमारी क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। कंडीशन ट्रू हुई, फिर से हम यहाँ पर आएंगे, कंडीशन चेक करेंगे, क्या 5 इक्वल इक्वल 5 की है, ये कंडीशन क्या हो गई हमारी, ट्रू हो गई। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई, वैसे हम क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे, अपने प्रोसेस को कंटिन्यू कर देंगे। लेकिन जो हमारी 5 की वैल्यू थी वो क्या हो चुकी है, यहाँ से जैसे ही ये ट्रू हुई, कंडीशन कंटिन्यू हुआ, यानी कि यहाँ तक हम जाएंगे ही नहीं, डायरेक्ट यहीं से हम फॉर लूप में वापस चले जाएंगे। यानी कि वैसे ही आपको कंटिन्यू का मतलब होता है आपको बिगनिंग पोजीशन पर पहुंचा देगा। तो बिगनिंग पोजीशन हमारे लूप की कहाँ से थी, फॉर लूप से थी, यानी कि उसके बाद आपने क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट आपको बिगनिंग पोजीशन पर पहुंचा रहा है, तो बिगनिंग पोजीशन पर आप फिर से वापस चले जाओगे। तो यहाँ से वैल्यू आई की क्या हो गई, अपडेट होकर के 6 हो चुकी है, 6 हुई। उसके बाद 6 लेस देन 10 की है, तो कंडीशन हमारी ट्रू हुई, कंडीशन ट्रू हुई। फिर से हम इसमें आएंगे, यहाँ पर आई इक्वल इक्वल 5, यानी 6 इक्वल इक्वल 5 की है, कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी कि कंटिन्यू का कोई प्रोसेस ही नहीं है। फिर से आपने आई को प्रिंट कर दिया, तो यहाँ से आपको 6 प्रिंट में मिल गया। फिर से आई की वैल्यू फॉर लूप में जाएंगे, अपडेट होकर के 7 हो चुकी है, क्या 7 लेस देन 10 की है, कंडीशन ट्रू हुई। फिर उसके बाद 7 इक्वल इक्वल 5 की है, कंडीशन फॉल्स हो गई।
हम डायरेक्ट आएंगे अपने आई की वैल्यू को प्रिंट कर लेंगे, 7 हमें प्रिंट पे मिल गया, फिर से हम फॉर लूप में जाएंगे, उसके बाद आई की वैल्यू अपडेट होकर के 8 हो चुकी है, 8 लेस देन 10 के है, कंडीशन हमारी ट्रू है। इफ कंडीशन चेक करेंगे क्या, यहाँ पर 8 इक्वल 5 के है, कंडीशन फॉल्स हुई, डायरेक्ट हम आई को प्रिंट कर लेंगे, यहाँ से 8 हमें प्रिंट में मिल गया। उसके बाद फिर से हम फॉर लूप में वापस जाएंगे, फॉर लूप में वापस जाएंगे और यहाँ से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट होकर के 9 हो जाएगी। क्या 9 लेस देन 10 की है, कंडीशन हमारी फिर से ट्रू हुई। फिर से हम आएंगे, इफ कंडीशन चेक करेंगे, 9 इक्वल 5 की है, कंडीशन फॉल्स हुई। फिर से हम सीआउट फंक्शन की हेल्प से आई की वैल्यू प्रिंट कर लेंगे, 9 हमें प्रिंट में मिल चुका है। फिर से हम फॉर लूप में वापस जाएंगे, आई की वैल्यू अपडेट होकर के क्या हो चुकी है, इस बार 10 हो चुकी है। क्या 10 लेस देन 10 के है, ये कंडीशन हमारी क्या हो चुकी है, फॉल्स हो चुकी है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई वैसे ही हम पूरे लूप से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे और ये सारे नंबर्स हमें प्रिंट में मिल रहे हैं, बट इसमें हमें 5 प्रिंट में नहीं मिल रहा है। ये होता है हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज। आई होप दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।